नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आनंदपुर साहिब में 1699 को बैसाखी के दिन की थी। उन्होंने खालसा वाणी भी दी, जिसमें वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह कहा गया। इसके अलावा उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया और खुद भी उनके हाथों से अमृत पान किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ में जीवन के 5 सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें पंच ककार के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क शब्द से शुरू होने वाले 5 सिद्धांत है, जिनका अनुसरण करना हर खालसा सिख के लिए अनिवार्य है। ये 5 ककार है केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा होने के साथ ही कई भाषाओं के जानकार और अच्छे लेखन और महान विद्वान भी थे। उन्हें संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी भाषाएं भी आती थी। गुरु गोविंद जी ने कई ग्रंथों की रचना की। सच्चाई, धर्म और सिखों की रक्षा करने वाले इस संत योद्धा ने अपनी निजी जीवन में काफी कुछ खोया। 9 साल की उम्र में पिता की हत्या के बाद पूरे परिवार का एक एक कर बलिदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह की लोकप्रियता और उनकी नेकी से डरने वाले भी कम नहीं थे। औरंगजेब की मौत के बाद नवाब वजीद खान ने धोखे से गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या करवा दी। यदि आज भारत में संस्कार और धर्म स्थापित है, तो उसका पूरा श्रेय गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। सभी 10 गुरुओं ने भारत और भारत के वासियों के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हें मार्ग दिखाया है। जिस प्रकार से वे देश से इतना परिवर्तन लाए, उसके लिए भारत की धरती सदैव गुरु गोविंद सिंह जी की कृतज्ञ रहेगी। इस देश के साधु, संत और महात्मा हमेशा अपने मठ में या अपने मंदिरों में ही रहे। वे अपनी पूजा पाठ और परंपराओं में ही उलझे रहे और समाज के लिए कुछ नहीं किया। जो लोग समाज सेवा करते थे और सच्चे सिपाही थे, वे धर्म से कोसों दूर थे। उनके अंदर कोई साधुत्व नहीं था। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, मन में साधु बनो, व्यवहार में मधुरता लाओ और भुजाओं में सैनिक की वीरता लाओ। तब उन्होंने संत सिपाही का नारा लगाया और वे स्वयं सबसे महान संत सिपाही बने। आज इस महान संत सिपाही के जन्म जयंती के अवसर पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें शत शत नमन करते हैं।